आयुर्वेद में ऐसे कई पौधे बताए गए हैं जिनकी पत्तियों और जड़ों से कई तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। इनमें से कुछ पौधों को घर के गार्डन में आप उगा सकते हैं। इन्हें लगाना भी आसान है और अधिक देखभाल की भी जरूरत नहीं होती है। नंबर एक, ब्राह्मी। इसका पौधा जमीन पर फैलकर बड़ा होता है और यह आसानी से किसी भी मिट्टी में लग जाता है। इस पौधे की 4 से 5 पत्तियों को सुबह खाली पेट चबाकर पानी पिए और रस निकालकर भी आप ले सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए सर्दी में पत्तियों के रस को काली मिर्च के साथ ही लिया जाए। ब्राह्मी दिमाग के लिए अधिक फायदेमंद है। बच्चों में एकाग्रता की कमी और बड़ी उम्र में भूलने की बीमारी में इसकी पत्तियों को चबाकर खाते हैं तो बहुत फायदा होता है। नंबर दो, गिलोय। गिलोय की बेल होती है जो कटिंग से हर तरह की मिट्टी में लग जाती है। गिलोय बेल की डालियां कूटकर पानी में उबालकर पी सकते हैं। जिन्हें डायबिटीज नहीं है वे इसमें थोड़ा शहद डालकर भी पी सकते हैं। गिलोय रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाली औषधि है। ऐसे लोग जिन्हें बार बार जुकाम होता है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। सांस के रोग, अर्थराइटिस, डेंगू या चिकनगुनिया, मधुमेह भी इसका फायदा मिलता है। नंबर तीन, कालमेघ। यह आसानी से बीज या कटिंग से किसी भी गमले या क्यारी में लगाया जा सकता है। बुखार और खराश होने पर इसकी पत्तियों की चाय या जूस बनाकर भी आप पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह नीम से 100 गुना अधिक कड़वा होता है, इसलिए इसे किंग ऑफ बिटर के नाम से भी जानते हैं। यह संक्रमण, बैक्टीरिया, कैंसर और सूजन से बचाता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए इसको कोविड-19 संक्रमण से लड़ने में मददगार भी कहा जा रहा है। दवाइयों में इसके प्रयोग भी किया जा रहा है और यह हैजा, दमा, ज्वर, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, खांसी, गले में छाले और पाइल्स में भी फायदेमंद है। नंबर चार, पिपली। पिपली का पौधा कटिंग या बीज रोप कर लगा सकते हैं। पिपली को लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। इसमें लंबे फल लगते हैं जिनका चूर्ण बनाकर सेवन किया जाता है और उसी तरह से जड़ को सुखाकर भी इसका चूर्ण बनाया जाता है। यह दिल के रोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके फल के 1 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ खाली पेट लेने पर दिल के रोगों में राहत मिलती है और इसी तरह पेट के रोगों के लिए भी यह चूर्ण फायदेमंद होता है। नंबर पांच, अश्वगंधा। इसका पौधा बीज की मदद से गमले या क्यारी में लगाया जाता है। इसकी जड़ों का पाउडर खांसी और अस्थमा से राहत दिलाता है। पत्तियों की चाय बनाकर भी आप पी सकते हैं। दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा की जड़ का पाउडर मिलाकर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसके फायदों की बात करें तो अश्वगंधा शरीर की काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही इसके पत्तों को रेगुलर खाने और प्राणायाम करने से मोटापा भी कम हो सकता है। नंबर छह, वन तुलसी। इसको बीज या कलम से बड़े गमले में लगा सकते हैं, लेकिन क्यारी में बेहतर उगती है। इसकी पत्तियों से मसाला चाय बनाई जा सकती है और चाय बनाते वक्त इसकी कुछ पत्तियां साथ में डालने से चाय भी कड़क बनेगी। रसोई में मौजूद मसालों की तरह वन तुलसी का उपयोग किया जा सकता है। इसकी 2-3 पत्तियां मसाले के साथ पीसकर उपयोग कर सकते हैं। वन तुलसी की पत्तियां इन्फ्लुएंजा के इलाज, सिर दर्द, गले की खराश, खांसी और बुखार में फायदा पहुंचाती है। नंबर सात, लेमन ग्रास। इसे नींबू घास भी कहते हैं। इसे छोटे गमले या क्यारी में लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां लेमन टी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्म पानी में अजवाइन और लेमन ग्रास की कुछ पत्तियां डालकर उबाल सकते हैं। इसे 2 मिनट तक रखें और फिर हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाकर पी लें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और बैक्टीरिया को खत्म करने वाली खूबियां होती हैं और जो कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचाती हैं। इस घास में विटामिन ए और सी, फोलेट, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीज होते हैं। इंस्टाफीड।